साथियों नमस्कार। लक्षद्वीप में आज जो हो रहा है स्थिति बना है वहाँ देश में, और कई ऐसे स्थिति अभी तक देखने को नहीं मिला जो भी यूनियन टेरिटरी है। बट सरकार ने किस तरीके के जो एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट करने का था वहाँ एक डिक्टेटर को अपॉइंटमेंट किया है। आज तक वहाँ इतिहास है कोई भी आपने एडमिनिस्ट्रेटर लगाएगा वो IAS ऑफिसर रहता है। पहली बार किसी भाजपा का नेता प्रफुल्ल पटेल को इन लोग ने लगा दिया है। वह ऐसे ऐसे कानून ले आ रहा है, आज तक वहाँ एक भी क्राइम केस ना हो सुनने तक नहीं मिला इतने साल से। या जाते जाते ही वहाँ गुंडा हाथ लगा दिया, वह संस्कृति को ख़त्म करने लग गया। वहाँ का लोग किस तरीके के मासूम लोग है, लोग जी रहा है उसका जो रूटीन को इन लोग ने टोटल बदलने के लिए जो कोशिश कर रहा है। वहाँ लिकर स्टार्ट कर दिया, वहाँ कभी लिकर का बात ही नहीं चलता था। वहाँ इन लोग ने वहाँ सबसे लोग वहाँ नॉनवेज प्रेफर करते हैं वो बंद कर दिया। मीन्स कहीं ना कहीं ये सरकार किस तरीके के यहाँ लक्षद्वीप को ख़त्म करने में लगे, शर्म आना चाहिए इस सरकार को। जल्दी से जल्दी आप जो भी प्लान कर रहे हैं, वहाँ एक संसद है, पॉलिसी मेकर है। आप लोग ने अमेंडमेंट लाया है, जो बदलाव लाया कानून का, तो पॉलिसी मेकर्स के साथ वहाँ का जो इलेक्टेड बॉडी है उनसे डिस्कस करके जो भी चीज़ करना चाहिए। किसी को लूप में नहीं रखा। पहली बार ऐसी पॉलिसी मेकर बिना पॉलिसी, इन लोग ने नया पॉलिसी, इनके जो आइडियोलॉजी BJP का जो इनका आइडियोलॉजी के ऊपर इन लोग ने वहाँ का लक्षद्वीप का जो हालत बदलने में लगे हैं, ये शर्मनाक है। जल्दी से जल्दी आप लोग वहाँ पहले जो स्थिति था उसी स्थिति पे आपको छोड़ना चाहिए। और कोई भी एक घर पे दो बच्चे के ऊपर बच्चा पैदा नहीं होना, वो तीसरी हो गया तो उसके ऊपर अलग तरीके के इन लोग का क्या कार्रवाई करेगा इन लोग ने। मीन कहीं ना कहीं इस नेचर के खिलाफ इन लोग ने जो भी काम कर रहा है ये गलत है। जल्दी से जल्दी वहाँ उस डिक्टेटर को हटा दो। वहाँ हम मासूम लोगों को, जो लोग वो लोग जी रहे हैं उससे इनको जीने के लिए छोड़ना चाहिए।